दलक के मकासिद के अंदर आती है। दलक जो इस्तेमाल करना मतलब करना है, एक तो आपको एक चीज़ मालूम ही होगी कि यह लॉस ऑफ सर्कुलेशन, लॉस ऑफ न्यूट्रिशन काज नेक्रोसिस। जहाँ पर सर्कुलेशन नहीं है वहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं है सेल को तो सेल आपका पैसिव कंडीशन में चला जाता है या नेक्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ शुरू होना मालूम होती है। जहाँ कहीं भी कोई पैथोलॉजी हो, जहाँ कहीं भी तफर्रुक है, इत्तेसाल हो, तफर्रुक ना हो मतलब वहाँ पर कट हो जाए, इत्तेसाल बनेगी तो तसलसल से इत्तेसाल पैदा होगा, तो जहाँ पर भी तफर्रुक एक दूसरे से अलग होने की कैफियत पैदा हो, जिसकी वजह से तफर्रुक की वजह से क्या पैदा होता है वहाँ पर इनकंटिन्यूटी पैदा होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर खून ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है, और खून नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ पर ग़िज़ाइयत नहीं होती है, तो ग़िज़ाइयत नहीं होती है तो वहाँ पर तकवीत सेल को नहीं मिलती है, तो तकवीत नहीं मिलती है तो वहाँ का सेल जो है आपको नेक्रोस हो जाता है या तो पैसिव कंडीशन में चला जाता है। तो ये चीज़ जहन में रखते हुए इसी यही कॉन्सेप्ट है दलक का। तो अब यहाँ पर जो है इनको